तो कैसे आप सब, और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हमारे हाथ में एक बहुत ही खतरनाक बेब्लेड जो कि है ऑल टाइम किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन, और वो है ज्यूस। ये ब्रुकलिन का बेब्लेड था, बहुत ही खतरनाक था। प्लास्टिक जनरेशन में एनीमे में तहलका मचा दिया था। हालांकि ड्रॉन्जर ने एंड में इसको हरा दिया था क्योंकि वो ड्रॉन्जर है। और आज हम इसके बैटल्स लेके आए हैं ड्रैगून के पूरे सीरीज के साथ। तो हम प्लास्टिक जनरेशन सीरीज ही यूज करेंगे, उसमें हम ड्रैगून ग्रिप अटैकर नहीं यूज करें क्योंकि वो हमारे पास है नहीं। और ड्रैगून MSUV और ड्रैगून MS ये बेब्लेड के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए हम उसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसको प्रोटेक्ट करना है। HMS ये एक बहुत ही ऑड जगह पे है, मतलब वो मेटल फाइट के साथ भी नहीं लड़ सकते एक्चुअली, और वो प्लास्टिक जन के साथ भी नहीं लड़ सकते। तो इसके लिए मेटल फाइट सॉरी मतलब HMS का मुकाबला HMS से होना चाहिए। तो चलिए गाइस चालू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मुकाबला करने आने वाला है ड्रैगून एस, तो है ड्रैगून स्टॉर्म, और देखते हैं गाइस क्या होता है इस बैटल में। तो बेब्लेड्स है सेट, 3 2 1 हो जाए शुरू। वाई भाई 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 भाई, और ये काट कुट आवाज आ रहा है गाइस, बहुत खतरनाक। और यार यहाँ पे गाइस ज्यूस ने अपनी पहली बाजी मार ली है। हम एक और राउंड करेंगे क्योंकि हमें पूरा देखना है गाइस, एटलीस्ट दो दो राउंड्स करके देखेंगे और देखेंगे इसका आउटकम क्या होता है। हमारा ड्रैगून एस ओवरऑल अंडर वेट है ये बैटल में, बट देखते क्या होता है। 3 2 1 हो जाए शुरू। और ज्यूस के पास यही 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 तो दिक्कत वाली बातें हैं। तो यहाँ पे गाइस ड्रैगून का बिट चिप उड़ गया है और ये वाला जो ऊपर का पार्ट है वो रह गया भाई साहब। तो यार ये सब दिक्कत है प्लास्टिक जेन में, मैं इसको ठीक करके आया। तो गाइस जैसे कि आपने देखा ड्रैगून एस की धज्जियां उड़ चुकी है, और अब आने वाले है ड्रैगून स्टॉर्म। तो 3 2 1 हो जाए शुरू। और ड्रैगून स्टॉर्म काफी हमला करते हुए, मतलब बहुत बेकार तरीके से अटैक है इनका एक्चुअली ड्रैगून स्टॉर्म के आगे। मतलब ड्रैगून एफ एक डाउनग्रेड है ओवरऑल मेरे हिसाब से, पता नहीं। यहाँ पे स्पिन स्टीलिंग चल रहा है गाइस, और ड्रैगून एफ हार का शिकार बन चुके हैं। मेरे को नहीं लगता ड्रैगून एफ जो है वो यहाँ पे जीत दिलाएगा ड्रैगून सीरीज को। 3 2 1 हो जाए शुरू। जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रैगून एस ये नॉकआउट नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये स्पिन स्टील नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ड्रैगून एस तो मतलब हार के ही बराबर है। यार अगर आप ये सब चीज़ों को सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको पता है यार, स्निडमिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करो और आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको जो नए वीडियोज आए उनके सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। बढ़ते अगले बैटल में, यहाँ पे है लाल कलर का ड्रैगून वी, और स्टेडियम भी लाल है, तो शायद कुछ जीत की मतलब ये दिख रही है आशा। 3 2 1 हो जाए शुरू। ये मेरा खतरनाक सा लॉन्चर भी मैंने जो दिखाया है ये वीडियो में, इसकी भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी। अगर आप गूगल करोगे मतलब सॉरी यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। सबके दो दो बैटल्स करेंगे गाइस, मजा आएगा। अगर मतलब डिसाइडिंग नहीं हो रहा तो फिर तीसरा बैटल करेंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे प्लास्टिक टिप पे, और ये वापस हार का सामना करना पड़ रहा है ड्रैगून सीरीज को। बहुत बुरी तरीके से पीटे जा रहे हैं ड्रैगून सीरीज, देखते क्या होता है। 3 2 1 हो जाए शुरू। ये गया ज्यूस, और ये गया V2 V V। ड्रैगून वी कुछ खास कर नहीं पा रहे, आई गेस मैं भी थोड़ा डर डर के लॉन्च कर रहा हूँ क्योंकि हाँ प्लास्टिक जेन है। और स्टेडियम गाइस काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा है अभी, थोड़े पर निक्स आए हैं बट हाँ वो तो नॉर्मल है। अगर आप टेप कर दोगे तो वो बेटर रहेगा, जैसे कि मैंने इसके अनबॉक्सिंग में कहा था। और भाइयो ज्यूस वापस गाइस जीत गए, 3 ड्रैगून्स को हरा दिया है ज्यूस ने। बस 4 मिनट हुए वीडियो में और 3 ड्रैगून ऑलरेडी हार चुके हैं, और अब बारी है ड्रैगून V2 की। 3 2 1 हो जाए शुरू। और ओ गाइस ड्रैगून V2 ने आखिर में मतलब बहुत खतरनाक तरीके से बाजी मार ली है यहाँ पे ज्यूस को।
सीधा आउट ऑफ स्टेडियम कर दिया है, आउट ऑफ स्टेडियम सीधा। तो गाइस देखते हैं राउंड टू की और यहाँ पे 3-2-1 हो जाए शुरू। अगर आप नोटिस कर किए हो तो ओ भाई यहाँ पे ड्रैगून को सीधा बाहर का रास्ता दिखाना दिख गया है, मतलब दिखाना पड़ा क्या, दिख गया सीधा बाहर, उड़ गया ड्रैगून और ऑलमोस्ट खुल भी गया था, मतलब थोड़ा सा वो डिस्क जो रहता है ऊपर का ना वो अटैक रिंग वो थोड़ा सा टिल्ड भी हो गया था, तो यार उसमें मुझे लगा हो चुका भाई टूट उठ गया। कोई बात नहीं, 3-2-1 हो जाए शुरू, डिसाइडिंग राउंड गाइस। तो गाइस फर्स्ट ड्रैगून है जिसने विक्ट्री हासिल कर ली है, ड्रैगून V2 विक्ट्री। तो भाई इसने कमा ली विक्ट्री और इसमें मैंने मेटल वेट डिस्क डाला है थोड़ा सा वजन इंक्रीज करने के लिए, हालांकि इसमें एक्चुअली अपना मैग्ना डिस्क रहना चाहिए बट मैंने बोला मैग्ना डिस्क का कोई मतलब नहीं है इसमें, तो इसके लिए मैंने बोला अगर ये जीत सके तो इसको मेटल डिस्क ही दे दो बेटर रहेगा। और अब हमारे पास है ड्रैगून V2, सॉरी अभी हमारे पास है कौन, ड्रैगून G। 3-2-1 हो जाए शुरू और ड्रैगून जी को मैंने मेटल वेट डिस्क दिया है मूवमेंट के लिए, एक्चुअली ड्रैगून जी के पास ऑलरेडी वेट है तो स्पिन स्टील भी अच्छा कर सकता है, मेरा ड्रैगून जी का इंजन गियर नहीं चलता है यार, काश वो चलता, वाइंड करके देखे क्या, बट वही है यार कोई मतलब नहीं बनता। मेरे पास की भी है उसकी, कोशिश करके देखते एक बार यार, ये देखो भाई आपके दुआ से और कृपा से क्या पता शायद वो, हाँ हो गया पूरा वाइंड तो कर लिया, अगर चल गया तो चल गया, मेरे को नहीं लगता चलेगा क्योंकि मेरे ड्रैगून जी का इंजन गियर कभी चला ही नहीं। 3-2-1 हो जाए शुरू। चला क्या, थोड़ा बूस्ट था वैसे स्टार्ट में, वो इजी की वजह से ही था क्या, क्या पता, इससे आवाज तो कुछ नहीं आया। अरे गाइस सेकेंड राउंड भी हार गया, यहाँ पे ज्यूस ने जीत हासिल कर ली है, अब बस एक ही ड्रैगून का सहारा है, ड्रैगून GT। इसके गाइस इंजन गियर को एक्टिवेट करेंगे भाई जरूर, क्योंकि अगर ये हार गया तो लग गए, इसको एक्टिवेट कर लिया है। 3-2-1 हो जाए शुरू और ये गया और इजी एक्टिवेट होने के साथ ही बाहर उड़ गए बेचारे, इसको वापस एक्टिवेट करेंगे हम, मतलब अगर इजी नहीं है तो भाई ये ड्रैगून तो कतई नल्ला है, तो इसके लिए इसके इजी को तो एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। देखते हैं गाइस ज्यूस थोड़ा ज़्यादा भयंकर और पावरफुल लग रहा है मुझे ओवरऑल, मतलब भाई मुझे लगा नहीं था ज्यूस इतना पावरफुल वेवलेट है बट हाँ वो है पावरफुल। तो गाइस देखते हैं सेकेंड बैटल, 3-2-1 हो जाए शुरू। भाई ये क्या था भाई, उल्टा रपेटा पड़ा है ज्यूस को बट ज्यूस ने हार नहीं मानी और वो स्टेडियम में बना रहा। देखते हैं गाइस स्पिन स्टीलिंग में क्या होता है, ज्यूस के पास एक फ्री रोटेटिंग टिप है और ड्रैगून के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और यार आप फैंस के लिए मैं यार आपको दुखी नहीं करना चाहता, एक और लास्ट बैटल भी कर लेंगे इसके, आपको मतलब मजे के लिए आपके यार और कुछ नहीं। वैसे तो ज्यूस जीत गए, बहुत बुरी तरीके से ड्रैगून सीरीज को ज्यूस ने हरा दिया है और ये एनीमे में भी हो सकता था अगर टाइसन ये प्रोटैगनिस्ट ना होता। इंजन गियर एक्टिवेट तो हुआ, बाउंसिंग भी हुआ, सब हुआ बट ज्यूस इज जस्ट ज्यूस, ऑलरेडी जीत चुके हैं, किंग ऑफ डार्कनेस इनको ये टाइटल है। और ये गाइस ज्यूस का जीत, ये आप देख सकते हो ये ज्यूस की बहुत बड़ी शक्ति है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।